फ्रेंड्स, उर्वशी किचन में आपका स्वागत है। ये है अदरक मिर्च का पेस्ट। इसका प्रोसेस मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है, ताकि रेडी करके रखा जाए तो ये बिगड़े ना, काला ना पड़ जाए और इसी तरह से हरा भरा लगे और फ्रेश रहे। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। ये अदरक मिर्च का पेस्ट जो है, उसको बनाने के लिए हमें 50 ग्राम हरी मिर्च लेनी है और 25 ग्राम अदरक लेना है। अगर आपको ग्राम में नहीं मापना हो तो मैंने इसको गिन के भी देखा तो ये 15 हरी मिर्च है और एक बड़ा अदरक था, जिसको मैंने छिलका निकालने के बाद इस तरह से, ये छोटी जो कटोरी है इसके माप का ये अदरक आपको लेना है। तो इसी तरह से परफेक्ट माप का आप लेना, 15 हरी मिर्च और इतना अदरक। सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे और ये हरी मिर्च जो है उसको हमें डंठल निकाल के यूज करना है। तो ये डंठल निकाल के हम इसको कटिंग करके इसमें डाल देंगे। तो ये अदरक मिर्च का पेस्ट है, इसका वीडियो बनाना मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि ये डिमांड में भी था और मुझे लगा कि ये अदरक मिर्च का पेस्ट जो है, अगर रेडी हो जाता है, रेडी हम रखते हैं तो ये रसोई जो है बहुत ही आसानी से बन जाती है। और प्लस ये बात है कि इसको प्रिजर्व कैसे करना, तो प्रिजर्व अगर अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ये काला पड़ सकता है और इसकी फ्रेशनेस भी बरकरार नहीं रहती, इसलिए प्रिजर्व करने में खास ध्यान रखना है इसका। तो ये मैं एक लेमन जो है इसको हम कट कर लेंगे, आधा नींबू का है हमको यूज करना है। तो अब हम ये अदरक के टुकड़े जो है वो डाल देंगे और नींबू डाल देंगे। नींबू डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे, तो मैंने सैदा नमक यूज किया है ताकि हम कोई भी फराली रेसिपी बनाते हो तो, अगर हमने नॉर्मल नमक डाला हुआ है तो फराली रेसिपी बनाने के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये खास ध्यान रखना कि हमें सैदा नमक यूज करना है। तो एक छोटी चम्मच मैंने सैदा नमक यूज किया है। ये सब जो लेमन जूस जो है और नमक जो है ये प्रिजर्वेशन का काम करेगा। और एक और चीज है, ये तेल, ये मैंने सिंग तेल यूज किया है, 1 से 1.5 चम्मच हमें सिंग तेल यूज करना है। और अब ये तीनों चीजों जो है वो प्रिजर्वेशन का काम करेगी। अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए, एकदम कम्प्लीटली मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा भी ये दरदरा नहीं रहा है, ये कम्प्लीट पेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह से ये हम अब इसको एक डिब्बी में ले लेंगे। तो ये देखिए, ये अदरक मिर्च का पेस्ट मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर में ले लिया है। अगर आप कांच के कंटेनर में लेना चाहो तो भी ले सकते हो। तो इस तरह से इसका ढक्कन बंद करके आप फ्रिज में रख देना, मिनिमम 15 दिन तक ये पेस्ट ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर बिना कलर चेंज किए हुए और फ्रेशनेस को बरकरार रखते हुए ये पेस्ट हमको अगर रेडी करके रखना हो कि हम ये रसोई जो है वो जल्दी से बना सके, तो इसी प्रोसीजर से फॉलो करके आप बनाना और आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।